हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विनीता टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है हु इज योर फ्यूचर स्पाउस। आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होने वाले हैं, वो पर्सन कौन होंगे जिनसे आपकी शादी होगी। तो आप किसी भी जेंडर के हैं इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। दिस रीडिंग इज नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग, ऑल्सो ये रीडिंग टाइमलेस होगी, आपके सामने कभी भी आती है इस रीडिंग को देख सकते हैं। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आप फर्स्ट मैरिज के लिए देखना चाहते हो या री मैरिजेस के लिए देखना चाहते हैं, आप लोग देख सकते हैं। आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, कैसी पर्सनैलिटी है, आप लोग किस तरह से मिल रहे हैं, कब तक मिल रहे हैं, शादी कब तक हो सकती है, और वो पर्सन किस काम को करते हैं, उनका करियर प्रोफेशन क्या होगा, उनके नेम इनिशियल्स, ज़ोडियक साइंस, यानी कि काफ़ी डिटेल रीडिंग होने वाली है, ठीक है। सो रीडिंग को पूरी देखिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हो मेरे चैनल को, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आप लोगों के लिए टैरो कार्ड रीडिंग्स लेके आती हूँ, एस्ट्रोलॉजी बेस्ड रीडिंग भी लेके आती हूँ। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल और वीडियो को भी जरूर लाइक कर लीजिएगा। तो ऑप्शंस के बारे में मैं बता देती हूँ। दिस इज योर डेट ऑफ बर्थ, ओके। सो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर नजर आ रही है ऑप्शन नंबर वन में, तो आज की रीडिंग को आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है। एंड ऑप्शन नंबर टू में है ये बर्थ डेट्स। सो अगर आपकी बर्थ डेट्स यहाँ पर नजर आ रही है, तो आप ऑप्शन नंबर टू की रीडिंग को देखेंगे। आराम से अपने ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। आई होप सो कि आपको क्लियरली दिख रहा है किस वाले ऑप्शन में कौन सी बर्थ डेट है। अगर नहीं, तो मैं इससे थोड़ा नजदीक आप लोगों को लेके आती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई पड़ सके। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड देख सकते हैं। जब आप सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा और इंस्टाग्राम की प्रोफाइल लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको अपने लिए पर्सनल लिंक चाहिए, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू इंस्टाग्राम ओनली। और चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो, ऑप्शन नंबर वन, आपकी बर्थ डेट है 1, 2, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 26 and 31। लेट्स सी हु इज योर फ्यूचर स्पाउस। आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, कौन है वो पर्सन। यहाँ पे मैं टैरो कार्ड भी यूज करूंगी, एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स भी यूज करूंगी और ओरेकल कार्ड्स, साथ ही साथ चिट्स भी। सो रीडिंग को पूरी देखिएगा एंड चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, ओके। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माई व्यूअर्स। ऑप्शन नंबर वन जिन्होंने सेलेक्ट किया है, उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। सो वी हैव मैनिफेस्टेशन, ओके। एंड द सेकेंड कार्ड इज ब्लेसिंग एंड अबंडेंस। हु इज ऑप्शन नंबर वन फ्यूचर स्पाउस? वी हैव कंपैशन, which is a nice card. So, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन होंगे, उनको आपने मैनिफेस्ट किया होगा अपने लाइफ में, ठीक है। हो सकता है कि आप लोग करेंटली जर्नलिंग कर रहे हो या विजुअलाइजेशन कर रहे हो कि मुझे ऐसे पर्सन चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कोई पर्सन जिसको आपने मैनिफेस्ट किया है, वो पर्सन आपके फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं। मतलब कि जब आप इस पर्सन से मिलोगे, तो आपको बहुत हद तक लगेगा कि इस पर्सन, ऐसे पर्सन के बारे में मैंने सोचा था अपने लाइफ में, या मेरा सपना था कि इस तरह के पर्सन से शादी करूं, ठीक है। तो वो वाली चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। ऑल्सो मैनिफेस्टेशन का कार्ड यहाँ पर यह भी बता रहा है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको मैनिफेस्ट किया हो, ठीक है। ये जब मिलेंगे तो हो सकता है आपको बता सकते हैं कि जैसे पर्सन को ये चाहते थे, वैसे आप हो, ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, तो आप दोनों ने एक दूसरे को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट किया होगा, वो चीजें मुझे यहाँ पे समवेयर दिख रही है, ओके। और ये कॉन्सियस एफर्ट के थ्रू है, यानी कि जानबूझ के मैनिफेस्ट करना, लिख के सोचना, विजुअलाइज करना, ठीक है। तो ये सभी चीजें मुझे आपकी मैरिज के सिनेरियो में दिख रहे हैं। ऑल्सो विद द कार्ड ऑफ ब्लेसिंग एंड अबंडेंस एंड कंपैशन, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, वो पर्सन काफी ब्लेस्ड होने वाले हैं, काफी अबंडेंट होने वाले हैं, ठीक है। मतलब मुझे दिख रहा है कि उनकी लाइफ में उतनी डिफिकल्टीज, उतने चैलेंजेस नहीं रहे होंगे। वो एक अच्छे घर से बिलोंग करते होंगे, उनको काफी ज्यादा अच्छी पेरेंटिंग मिली होगी, उनका चाइल्डहुड काफी अच्छा रहा होगा, उनकी पढ़ाई लिखाई काफी अच्छी रही होगी। हो सकता है वो पर्सन काफी वेल सेटल्ड हो, ठीक है, काफी अबंडेंट है वो पर्सन, ठीक है। वो चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही है। विद द कार्ड ऑफ कंपैशन, काफी ज्यादा मुझे दिख रहा है ये पर्सन कंपैशनेट होने वाले हैं,
दूसरों के प्रति इनके मन में दया की भावना रहती है, काइंड नेचर के हैं, समझदार है, इनका दिल बड़ा है काफी, ठीक है, लोगों की फीलिंग्स, इमोशंस, दुख, तकलीफ, वो सभी चीजें समझ आती है इनको। साथ ही साथ ये सिर्फ इंसान के प्रति दया की भावना नहीं रखते हैं, पेड़ पौधों के प्रति भी, जानवरों के प्रति भी। तो ये पर्सन जो है उनकी पर्सनालिटी में काफी आपको एक प्यार नजर आएगा जो सभी के लिए है, ठीक है। तो वो चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है, विच इज अ ब्यूटिफुल एनर्जी अभी तक जो भी दिख रहा है। लेट मी सी मोर अबाउट योर पर्सन। ऑप्शन नंबर वन के फ्यूचर स्पाउस कौन होने वाले हैं? सो वी हैव द कार्ड ऑफ लियो। ओके, सो लियो जो वो साइन इंपॉर्टेंट हो सकता है इस पर्सन का, सन मून राइजिंग या इनके बर्थ चार्ट में इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट्स हो सकते हैं लियो के। ऑल्सो वी हैव द कार्ड ऑफ अक्वेरियस, दिस साइन कैन ऑल्सो भी इम्पॉर्टेंट। एंड अगेन एक जोडियक साइन का ही कार्ड आया है जो कि है कैंसर, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे बताया जा रहा है कि आपके जो स्पाउस होंगे उनके साइंस लियो, अक्वेरियस, कैंसर या पाइसिस हो सकते हैं। ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू वर्गो कैन बी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि विद द कार्ड ऑफ लियो ये पर्सन जो है ना अपने काम के लिए हो सकता है बहुत ज्यादा जाने जाते होंगे, ठीक है। ऑल्सो इस पर्सन के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी बहुत ज्यादा होगी, जहां पर भी रहते हैं वो लीडर की तरह है। ओके, इट मीन्स दैट कि ये पर्सन अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हैं, अपने काम को समझते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से भागते नहीं है, और इनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा खासियत है जिसके चलते लोग इनकी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे प्राउड का कार्ड है, सो हो सकता है इस पर्सन को अपने काम के ऊपर में काफी ज्यादा प्राउड फील होता है, अपनी फैमिली पे काफी प्राउड फील होता है, ठीक है। ऑल्सो विद द कार्ड ऑफ ड्रामेटिक ये चीजें बताती है कि थोड़ा सा ये पर्सन कुछ चीजों को लेके सेलेक्टिव हो सकते हैं, या थोड़े से जिसको हम कॉमन भाषा में कहते हैं नखड़ालू, तो ये पर्सन नखरे करते होंगे कुछ चीजों को लेके, वो चीजें हो सकती है, ठीक है। जैसे हो सकता है इनको कपड़े पसंद करने में प्रॉब्लम होती हो, तो कुछ ना कुछ चीजों को लेके ये पर्सन नखरे दिखाते होंगे, दैट इज द थिंग, वो हो सकता है लियोस के अंदर। एंड देन वी हैव सेल्फ बिलीफ, इनको अपने ऊपर काफी भरोसा रहता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, एंड उस बिलीफ, उस कॉन्फिडेंस के कारण ये पर्सन अपने काम में सक्सेसफुल हो पाते हैं, ठीक है। तो वो चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड स्टार जो है वो मुझे दिख रहा है, सो एक्वेरियस साइन भी है और स्टार मुझे नजर आ रहा है। लाइक हो सकता है कि जब आप लोग मिलने वाले होंगे इस पर्सन से तो आपको स्टार के इमेजेस काफी नजर आएंगे, यस। एंड एक्वेरियस है तो एक्वेरियस साइन यहाँ पे बताता है कि ये पर्सन फ्रीडम लविंग है। लियो का कार्ड भी है, तो ऐसे पर्सन जो होते हैं ना वो किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं करते हैं, या किसी की गलत बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, कोई उनको किसी तरह से एक्सप्लॉयट करे या उनकी इंसल्ट करे, चाहे वो रिलेशनशिप में हो चाहे वो वर्क प्लेस पे हो, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। वो उसी जगह पे रहते हैं जहां पर उनको रिस्पेक्ट मिलती है, ठीक है। ये वो पर्सन नहीं है कि अपने काम को कर रहे हैं और काम के डर से अपनी बॉस की बातें सुनते जा रहे हैं, वो चीजें नहीं होती है लियो के अंदर। एंड ऑल्सो एक्वेरियस है तो डेफिनेटली इनको फ्रीडम चाहिए अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। अदरवाइज ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं कि इनको गुस्सा आया या फिर इनको रेस्पेक्ट नहीं मिले इनके काम पे, तो उस काम को भी ये छोड़ देंगे, ठीक है। तो उस तरीके के पर्सन यहाँ पे, एक पर्सनालिटी को समझाने के लिए मैंने एग्जांपल दिया है, कोई जरूरी नहीं है कि अपने लाइफ टाइम में किसी काम को ये छोड़ ही देंगे, बट इनकी पर्सनैलिटी ऐसे होने वाली है, ठीक है। जो इनकी कद्र करते हैं, इनकी रेस्पेक्ट करते हैं, और जो सच्चे हैं उनके साथ ये लोग रहना पसंद करते हैं, ठीक है। काफी ज्यादा इनको टेक्नोलॉजीज के साथ डील करना पड़ता, जिसके साथ डील करना पड़ता हो वो भी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। एंड फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी कि ये पर्सन साइंस के फील्ड से हो सकते हैं, लाइक इंजीनियर हो सकते हैं या एस्ट्रोफिजिसिस्ट हो सकते हैं ये पर्सन, ओके। एंड देन वी हैव द साइन ऑफ कैंसर, सो कैंसर का साइन आया है कंपैशन के नीचे, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे लियो का साइन भी है, कैंसर का भी साइन है, तो एक फायर साइन है, दूसरा वाटर साइन है। ऐसा हो सकता है कि आपके जो पर्सन होंगे ना उनके बर्थ चार्ट में ये सारे साइंस नजर आते होंगे। ये पर्सन इमोशनल होंगे, सेंसिटिव, केयरिंग, ठीक है। ऑल्दो ये दोनों एनर्जीज काफी ज्यादा अपोजिट होती है, बट दोनों रीडिंग्स में आए हैं आपके। सो इस पर्सन की पर्सनैलिटी जो होगी वो मल्टी लेयर्ड होगी, ठीक है। एंड इनके अंदर ना कुछ लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा प्यार शो करते होंगे, अपनी फैमिली के लिए, आपके लिए, यानी कि अपने स्पाउस के लिए भी वो बहुत ही केयरिंग होंगे, इमोशनल होंगे, ठीक है। एंड इनके लिए फैमिली, अपनी मदर और इनके जो बच्चे होंगे फ्यूचर में, वो काफी इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। उसके लिए बहुत इमोशनल ये पर्सन रहेंगे, ऑल्सो बहुत ड्यूटीफुल रहने वाले विद द कार्ड ऑफ लियो।
और लियो का कार्ड ये भी बताता है कि इनको गुस्सा आता है, ठीक है, इनको गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है, और इनकी अगर बात को कोई ना समझे, मतलब ये कोई फीलिंग्स अपनी बता रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, और उसको कोई ना समझे, ठीक है, तो फिर ये पर्सन जो है वो इनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सामने वाला पर्सन इनकी फीलिंग्स इमोशंस को समझ रहा है और रेस्पेक्ट कर रहा है, दैट इज़ द थिंग। ओके, सो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है आपके फ्यूचर स्पाउस में, एंड लेट मी सी मोर क्या पता चलता है। पेशेंस एंड प्लानिंग, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, अगेन यहाँ पे आया है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, मैनिफेस्टेशन का भी कार्ड है, तो डेफिनेटली आपकी विश फुलफिलमेंट होंगे, ना सिर्फ आपकी, आप दोनों पर्सन एक दूसरे की विश फुलफिलमेंट होंगे, ठीक है, ऐसा फील होगा कि विश फुलफिल हुई है आपकी और इस पर्सन की भी, ठीक है। यहाँ पे ना 18 नंबर, 16, 17 और 29 नंबर इंपॉर्टेंट है, आपकी बर्थडेट इस पर्सन की हो सकती है। दोनों पर्सन की इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों पर्सन का ना एक पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। ओके, पास्ट लाइफ कनेक्शन इस लाइफ से भी हो सकता है, कहने का मतलब यह है कि इस लाइफ में आप लोग इससे मिल चुके हो, वो भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे मुझे दिखाई जा रही है। ओके, ऑल्सो जब आप इस पर्सन से मिलोगे तो आपको आपकी जो कुछ कुछ कमियां हैं ना, जो भी कमियां हैं आपको, वो इस पर्सन के अंदर आपको नजर आएगी, ठीक है। मतलब कहने का कि आप और इस पर्सन की कमियां एक जैसी होंगी, खूबियां भी एक जैसी हो सकती है, तो आप दोनों का मिलना इसलिए भी हो सकता है एज अ लाइफ पार्टनर कि एक दूसरे को आईना दिखाना, ऑल्सो साथ में मिलके अपनी गलतियों पे, अपनी पर्सनैलिटी में जो भी कमियां हैं उस पर वर्क करके और साथ में ग्रो करना। यहाँ पे शैडो का कार्ड है, मून का कार्ड है, यानी कि अभी तक आप जिस चीज से भागते रहे हो ना, वो चीज आपको इस पर्सन के अंदर दिखेगी। मान लो कि आपको बहुत ज्यादा डर लगता है, तो आप कहीं ना कहीं देखोगे कि इस पर्सन को भी डर लगता है चीजों से। ओके, और फिर आप खुद समझाओगे इस पर्सन को कि ये चीजें मत करो, ठीक है। मतलब एक एग्जाम्पल है, कोई जरूरी नहीं है कि सभी के पर्सन को डर लगता होगा, क्योंकि लियो का कार्ड है तो ये पर्सन काफी कॉन्फिडेंट होंगे। कोई और कमी हो सकती है, मान लो इनको गुस्सा बहुत आता है, तो आपको भी हो सकता है बहुत ज्यादा गुस्सा आता होगा, तो आप दोनों मिल के जो है ना इसके ऊपर वर्क करोगे, ठीक है। तो वो वाली चीज मुझे यहाँ पे दिखाई जा रही है, एंड यहाँ पे हो सकता है आपको काफी इंतजार करना पड़ेगा इस पर्सन का अपने लाइफ में आने को। 28 आपकी एज हो रही होगी तब मिल सकते हैं यहाँ पे, 30, 39 कुछ लोगों की हो सकती है वैसे भी। एंड फॉर सम ऑफ यू, मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन जो काम करते होंगे, ये इवेंट प्लानर हो सकते हैं, लाइब्रेरियन हो सकते हैं, कोई रिसर्चर हो सकते हैं। ये पर्सन किसी फैशन इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, या फिर कुछ ऐसे चीज, मान लो कि कुछ डेकोरेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, तो इवेंट प्लानर डेफिनेटली वो चीजें हो सकती। या ये पर्सन कोई शो पीस बनाना, ठीक है, कुछ मूर्तियां बनाना, वो सभी हो सकता है इस पर्सन का काम, या बिजनेस उन सभी चीजों से बिलोंग करता हो, या फिर ये पर्सन फैशन इंडस्ट्री से हो सकते हैं, ठीक है, तो वो चीजें मुझे यहाँ पे दिखती है। लेट मी सी कि आप दोनों का जो रिलेशन होगा एक दूसरे के साथ, आपका और आपकी फ्यूचर स्पाउस का रिलेशन कैसा होगा। ओके, मेमोरीज ऑफ लव, सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आया है। सो आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है, दिस इज समवन फ्रॉम योर पास्ट लाइफ, और पास्ट लाइफ वो लाइफ भी हो सकता है जो कि आपने इससे पहले जिया था, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस लाइफ में आप इस पर्सन को जानते हो ऑलरेडी। ओके, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, ओके, कैसा रिलेशन होगा ऑप्शन नंबर वन का उनके फ्यूचर स्पाउस के साथ। विजडम, फॉर सम ऑफ यू दिस कैन बी अ लव मैरिज, एंड ज़्यादातर लोगों के लिए अरेंज मैरिज भी हो सकती है, 70% लोगों के लिए अरेंज मैरिज हो सकती है, ठीक है, एंड 30% के लिए मुझे दिख रहा है जैसे कि ये लव मैरिज भी हो सकती है। यस, सो आप लोगों का कनेक्शन के लिए आया है सिक्स ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सोर्ड एंड विजडम का कार्ड, ठीक है, तो इस कनेक्शन में डेफिनेटली एक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहने वाली है, ठीक है। साथ ही साथ विश फुलफिलमेंट की आपको फीलिंग होगी कि ये पर्सन मेरे विश फुलफिलमेंट है, उसको भी यही फीलिंग होगी, और समवेयर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों का जब मिलना होगा तो एक दूसरे से, यस, विद द कार्ड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड रिपीट, आपकी जो कमजोरियां हैं
या आप जिस चीज से भागते आए हो अभी तक, उस चीज को इस पर्सन के अंदर देखोगे। ठीक है, मान लो कि आपको बहुत गुस्सा करने की आदत है, इस पर्सन को भी गुस्सा करने की आदत है, तो एक टाइम पे आप दोनों ऐसा फील करोगे कि ये चीज है आप दोनों की रिलेशन को अफेक्ट कर सकती है, इसलिए आप दोनों मिलकर उस पर काम करोगे। ठीक है, विद द कार्ड ऑफ विजडम मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों पर्सन मिलके फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाना, हो सकता है शादी के बाद आप दोनों मिलके कोई घर बनाओगे, ओके, या शादी के बाद कुछ पढ़ाई करना, कोर्स या बिजनेस साथ में करना, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है दोनों पर्सन साथ में मिलके किसी तरह की कोई इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उठा रहे हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों सेम प्रोफेशन में हो, यस दैट इज द थिंग, एंड आप दोनों पर्सन मिलके शादी के बाद हो सकता है कि कोई ऑर्फेनेज, ठीक है, या कोई ओल्ड एज होम ऐसा कुछ आप लोग रन कर सकते हो या हेल्प कर सकते हो, वहां पर जाके कुछ डोनेशन कर सकते हो। ठीक है ना, तो वो चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही है, बट आपका जो नेगेटिव साइड है, जो शैडो साइड है, वो आपको इस पर्सन के अंदर देखने को मिलेगा, जिसके चलते आपको थोड़ा फील होगा कि मुझे अपने आप को सुधारना होगा, इस पर्सन को भी फील होगा वो चीज, फिर दोनों साथ में मिलकर उस पर वर्क करेंगे। ठीक है, टू बैलेंस योर रिलेशनशिप वी हैव सैक्रल चक्र। सैक्रल चक्र जो है वो बताता है जैसे कि बहुत ज्यादा अट्रैक्शन रहने वाला है। ठीक है, आपके रिलेशन के लिए मैंने निकाला है, सो ये कार्ड मुझे बता रहा है कि बहुत ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा, साथ ही साथ कुछ नया करना, रिलेशन में कुछ नया करना, अपने पार्टनर के लिए कुछ स्पेशल करना, वो चीजें यहाँ पे मुझे नजर आ रही है। नाउ लेट्स सी कि आप लोग इस पर्सन से, मुझे ऑलमोस्ट लग रहा है जैसे मिल चुके हैं, बट फिर भी देख लेते हैं कार्ड्स को क्या कहना है। ऑप्शन नंबर वन, अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलेंगे। ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, सारे पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, माय गॉड, कैन यू सी, नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है। ठीक है, इस टाइम पे आप लोग अगर अपने करियर पे वर्क कर रहे हो तो करियर पे वर्क करिए, साथ ही साथ मैनिफेस्ट करो तो मैनिफेस्ट करिए, क्योंकि नाइन ऑफ कप्स का कार्ड समवेयर बता रहा है कि ये पर्सन जो है आपके लाइफ में आपके विश फुलफिलमेंट होंगे। अगर इस टाइम पे आप लोग किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो या किसी तरीके के पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो चीज़, वो विश आपकी फुलफिल होगी। तीन तीन बार ये कार्ड्स बता रहे हैं। ठीक है, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, मुझे यहाँ पे बता रहा है कि आप किसी तरह की सेलिब्रेशन में गए हुए हो, वहाँ पर हो सकता है आपको सेलिब्रेट किया जा रहा है, यानी कि आपकी बर्थडे हो रही है सेलिब्रेट, या फिर आपको कोई सक्सेस मिली है वो सेलिब्रेट हो रही है। ठीक है, तो फिर वहां पर ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी कि कुछ लोग यहाँ पर इस पर्सन के साथ ऑलरेडी रिलेशन में हो सकते हैं, ओके, उनके साथ आपकी शादी होगी और फैमिली जो है वो मान जाएगी, क्योंकि फैमिली की यहाँ पे प्रेजेंस होगी शादी में आपकी। लेट मी सी मोर, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, फिर से स्टार का कार्ड है, विश फुलफिलमेंट, एट ऑफ सोर्ड्स। मुझे समवेयर यहाँ पे दिखाया जा रहा है ना कि आप लोगों की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे तो कहीं कहीं ना कहीं उसके बाद आपके शादी के योग बनते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, सो ये चीज आप लोग समझिए कि इस टाइम पे अगर आप लोग करियर में कुछ कर रहे हो, वहां पर पूरी तरह से सक्सेसफुल होने के बाद आपकी शादी हो रही है, ये स्ट्रांग इंडिकेशन मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी शादी इसलिए रुकी हुई है क्योंकि आपकी फैमिली चाहती है कि आप सेटल हो जाओ। ठीक है, और हो सकता है तब जाके आप अपने पार्टनर यानी किसी के साथ रिलेशन में हो तो बताओगे फैमिली को, तो फैमिली मान जाएगी, तो कुछ लोगों के लिए वो भी यहाँ पे दिखाया जा रहा है। आई विल टेक टू मोर कार्ड्स, कैसे मिलेंगे। ऑप्शन नंबर वन, अपने स्पाउस से, एट ऑफ पेंटिकल्स, फॉर सम ऑफ यू यू कैन मीट दिस पर्सन थ्रू योर वर्क, अपने काम की जगह पे मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे दिखाया जा रहा है आप अपने कहीं काम पे जाने वाले हो ना या ट्रेनिंग करने वाले हो, अपने काम की जगह पे मिल सकते हैं इस पर्सन से। नाइन ऑफ सोर्स का कार्ड है, व्हाई इज दिस कार्ड हियर, थ्री ऑफ सोर्स, ओके, फॉर सम ऑफ यू आप लोगों के ये कोई ऐसे पर्सन है जिनके साथ आप लोग कनेक्शन में रहे हो या करेंटली आप लोग उस पर्सन को लेके परेशान हो। ठीक है, ये पर्सन वो हो सकता है जिनके बारे में आप लोग रात दिन सोच रहे हो, बिकॉज बात नहीं हो रही है, बिकॉज लड़ाई हो गई है, सो दिस इज द पर्सन। ओके, बहुत ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं जैसे मिल चुके हैं यहाँ पर। सोलमेट, वाओ, तो ये पर्सन आपके सोलमेट होंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस आपके सोलमेट होंगे। ठीक है,
डिस्टॉर्टेड फेमिनिन. ओके, यहाँ पर डेफिनेटली अपने नेगेटिव साइड पे वर्क करने की जरूरत है. फेमिनिन का कार्ड आया हुआ है, ठीक है. तो ऐसा हो सकता है कि आप ओवरली अटैच हो जाते हो किसी के साथ, कि बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हो, या किसी पर्सन के साथ, मतलब ऐसा हो सकता है कि डिपेंडेंट हो जाना बहुत ज्यादा है किसी भी तरह से, वो चीज हो सकती है आपके अंदर. तो इस पर आपको वर्क करना है, ठीक है. या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इस रिलेशन में, इस मैरिज में आने के बाद इन सभी चीजों पर आप वर्क करोगे. द रेनबो रिवाइवर. ओके, आपकी कोई ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपकी पर्सनालिटी में, सभी के अंदर होती है, ठीक है. इस बात को सुन के बुरा मानने की जरूरत नहीं है. आपके अंदर, मेरे अंदर, सभी के अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है, बड़ी या छोटी. कोई एक ऐसी कमी आपकी इस मैरिज में आने के बाद दूर होगी और आप बहुत अच्छा फील करोगे, ठीक है. यहाँ पे डिस्टॉर्टेड फेमिनिन के बाद रेनबो रिवाइवर का कार्ड है. आपको फील होगा कि आपकी लाइफ रंगीन हो गई है, ये परेशानी जो थी उससे आप बाहर निकले हो, ठीक है. ये आपकी कोई एक परेशानी है जो आपके स्पाउस के मिलने के बाद, शादी के बाद अच्छी होगी, ठीक है. रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट फॉर सम ऑफ यू. ये आपके कोई ऐसे पर्सन है जिनके साथ आपकी प्रॉब्लम चल रही है, रिलेशन में हो सकते हैं उनके साथ, और परेशानी हो गई है, तो फिर उनके साथ ही आपकी शादी हो सकती है. दिस इज द कार्ड. यहाँ पे फिर से मैसेज है कंपैशन का. सो आपके पर्सन बहुत कंपैशनेट होने वाले, अंडरस्टैंडिंग होंगे, और काफ़ी ज़्यादा दूसरों के प्रति उनके मन में भावना रहती है, हेल्प करने की, दया करने की, ठीक है ना. सो लेट मी सी, यहाँ से कुछ चैनल मैसेजेस लेंगे सो दैट मुझे पता चल सके कि आपके स्पाउस और आपका कैसा कनेक्शन होने वाला है, कैसे बॉन्डिंग आप लोग शेयर करोगे, या क्या चैनल मैसेजेस है जो आपके स्पाउस की तरफ से आपको दिए जाना चाहते हैं. आई रियली हैवंट बीन हैप्पी विदाउट यू. ओके, तो जब ये पर्सन आपको मिलेंगे वो आपको बता सकते हैं कि आपसे मिलने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश हुए अपने लाइफ में. अदरवाइज हो सकता है वो बहुत मिस करते थे कि मेरे लाइफ में एक ऐसा पार्टनर होना चाहिए, ठीक है. तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है. समटाइम्स आई विश आई नेवर मेट यू. ओके, फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट के नीचे आया है ये कार्ड. कुछ लोगों के लिए आपके कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आपकी करेंटली, जब भी रीडिंग को सुन रहे हो, किसी पर्सन के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ है, मतलब रिलेशन में हो तब, रोमांटिक कनेक्शन में, तो ये वो पर्सन हो सकता है. आई वॉन्ट टू इम्प्रेस यू. ये पर्सन हमेशा कोशिश करेंगे कि आपको वो इम्प्रेस कर सके. आई नो यू आर द वन फॉर मी. तो ऐसा हो सकता है कि जब भी आप लोग मिलोगे, आप लोगों को फील हो जाएगा कि आप लोग एक दूसरे के लिए बने हुए हो. एक सोलमेट कनेक्शन यहाँ पे होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे सोलमेट का कार्ड खुद से आया है. एंड देन डोंट बी सो इनसिक्योर. यहाँ पे कोई एक ऐसा पर्सन है जो बहुत इनसिक्योर हो जाता है, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाता है अपने पार्टनर पे. तो हो सकता है आपके अंदर ये चीजें है, ठीक है, कि आप अपने पार्टनर बहुत ज्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हो, या फिर उनको खोने से डरते हो, कोई इनसिक्योरिटी हो सकती है. तो आपके स्पाउस की तरफ से आपके लिए मैसेज है दैट डोंट बी सो इनसिक्योर. आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई एम जस्ट स्केर्ड. सो ये उन लोगों के लिए मैसेजेस दिखाए जा रहे हैं जो लोग करेंटली किसी पर्सन के साथ रिलेशन में है और इस टाइम पे सेपरेशन से गुजर रहे हैं. ओके, सो चलिए देखते हैं कि आपकी शादी कब तक होगी इस पर्सन के साथ, ठीक है ना. आई विल टेक. सो आपकी शादी कब तक होगी. सॉलिट्यूड, एट ऑफ कप्स, कुछ लोगों की शादी, जब भी रीडिंग को देख रहे हो ना, जिस भी ईयर देख रहे हो, तो आपकी शादी नेक्स्ट ईयर होगी, ठीक है. एक साल के बाद रीडिंग को सुन रहे हैं उन लोगों की होगी. कुछ लोगों के लिए 8 months एंड 6 months, एंड फॉर सम ऑफ यू 2 years, ठीक है. ये टाइमिंग मुझे दिख रहे हैं. फॉर सम ऑफ यू नेक्स्ट ईयर, फॉर सम ऑफ यू 8 to 6 months, एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 2 साल का टाइम मुझे दिख रहा है, ठीक है. सो यहाँ पे लेटर सी है. बहुत सारे हैं पर आए हैं तो ले लेते हैं. टॉरस, आप लोग टॉरस हो सकते हैं. 31 बर्थडेट इस पर्सन की आपकी, 7th मंथ ऑफ जुलाई भी इम्पोर्टेंट हो सकता है. लेटर ए जे, 30 नंबर बर्थडे हो सकता है, एज हो सकती है. 8 बर्थडेट हो सकता है. 11 मंथ ऑफ अगस्त, नवंबर, एंड 17
डब्लू 5 मंथ ऑफ मे, लेटर सी नंबर 3 और मंथ ऑफ मार्च 18 नंबर, बर्थडे टी एंड दिस इज एन. सो ये मैसेजेस मुझे दिखाए गए हैं ऑप्शन नंबर 1. सो ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है मुझे बताइएगा जरूर, एंड हम दूसरी रीडिंग मिलेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हेलो ऑप्शन नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग. आपकी बर्थ डेट है 3, 4, 7, 11, 17, 19, 23, 24, 8, 27, 39, 28, 15 and 29. दिस इज योर रीडिंग. चलिए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होने वाले हैं. ओके, वीडियो को जरूर लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. और कुछ लोगों ने क्रश की फीलिंग्स के ऊपर रीडिंग करने को कहा है, तो वो वाली रीडिंग भी मैं लेके आऊंगी जल्द ही. एंड आपके और भी कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है. और प्लेलिस्ट है चैनल पे, उसे आप चेक कर लीजिएगा ताकि आपको रीडिंग्स मिल जाए जो भी आप देखना चाहते हो. सो ऑप्शन नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस के बारे में क्या पता चलता है? करेज एंड ब्रेवरी का खुद से ग्रह है. डू द वर्क, नाइस. कंपोजर, ओके. सो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनके अंदर बहुत ज्यादा फायर होने वाला है, फायरी एनर्जीज होने वाली है, बहुत ही ज्यादा एक्टिवेटेड कह सकते हैं, ठीक है. देख के पता चल जाएगा कि इस पर्सन के अंदर एनर्जीज है. वो बोलते जिस तरीके से होंगे, वो अपने काम को जैसे करते होंगे, वो लोगों के साथ जैसे इंटरेक्ट करते होंगे, उनके अंदर से एनर्जी रेडिएट होती होगी, ठीक है. मतलब देख के पता चल जाता है किसी को, ये पर्सन एनर्जेटिक है या ये पर्सन जो है वो लो फील कर रहा है, कुछ भी, ठीक है. बट इस पर्सन की जो पर्सनालिटी है वो मुझे बता रहा है दैट बहुत ज़्यादा काम से लेके या जो भी इनकी पर्सनालिटी में एनर्जीज बहुत है. एंड विद द कार्ड ऑफ करेज एंड ब्रेवरी, ये कार्ड मुझे बता रहा है जैसे बहुत ब्रेव है, करेजियस है, हिम्मत वाले हैं, प्रोटेक्ट करना जानते हैं, ना सिर्फ खुद को दूसरों को भी. और फॉर सम ऑफ यू इनका काम जो है ना वो हो सकता है कि दूसरों को प्रोटेक्ट करने से लेके हो, ठीक है. जैसे पुलिसमैन हो सकते हैं, ये आईएएस आईपीएस हो सकते हैं, मिलिट्री में हो सकते हैं, आर्मी मैन हो सकते हैं, ठीक है. जहाँ पर बहुत हिम्मत लगती है, ये पर्सन बहुत ही ब्रेव होने वाले हैं, करेजियस, हिम्मत वाले, ओके. और सो मुझे दिख रहा है आपके जो पर्सन होने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो सकते हैं. इस पर्सन की आईज जो है वो डिफरेंट कलर की हो सकती है, फॉर सम ऑफ यू ब्राउन ब्लैक हो सकते हैं, ठीक है ना. एंड ब्लू, ब्लैक तो कॉमन है बट ब्लू और ब्राउन जो है वो मुझे नज़र आ रहा है, ओके. हो सकता है आपके जो पर्सन होंगे उनको कोई मार्शल आर्ट ऐसा कुछ आता होगा, ठीक है. मुझे यहाँ पे बहुत दिख रहा है, यहाँ पे स्ट्रांग एनर्जीज है, लाइक आपके पर्सन फिजिकल एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व रखते होंगे. एंड वो फिजिकल एक्टिविटी मुझे कोई मार्शल आर्ट टाइप दिख रहा है, ओके. चाहे वो जूडो हो, कराटे हो, कुछ भी हो सकता है. एंड विद द कार्ड ऑफ डू द वर्क, अपने काम को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहना, ठीक है. काम यहाँ पे दिख रहा है, जैसे काम इनकी प्रायोरिटी है, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है, सोचते नहीं हैं. और मतलब क्या कहने का है ना, यहाँ पे इनको काम करना है, हर समय बैठ के कुछ ना कुछ करते रहते हैं. और मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन का प्रोफेशन भी ऐसा हो सकता है जहाँ पर इनको बहुत सारा टाइम अपने प्रोफेशन में, अपने काम में, अपने जॉब में देना पड़ता होगा, ओके. बट विद द कार्ड ऑफ कंपोजर, काफ़ी अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश करते हैं, अपने लाइफ को बैलेंस रखने की कोशिश करते हैं. इन्होंने डिसिप्लिन सीखा है अपनी लाइफ में, ठीक है. वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है. आपके जो स्पाउस होंगे डेफिनेटली उनके अंदर एक मिलिट्री मैन वाली, या अगर ये फीमेल है तो भी उनके अंदर बहुत ज़्यादा एक डिसिप्लिन मुझे दिख रही है. ये आर्मी, डिफेंस, पुलिस ऐसे हो सकते हैं, ठीक है. सो दिस इज द काइंड ऑफ एनर्जी विच आई एम गेटिंग. और देखते हैं, ये पर्सन कोई इन्वेस्टिगेटर या स्पाई ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है ना. मरकरी, हाउ यू थिंक, कम्युनिकेट, राइट, टॉक एंड ट्रैवल. यहाँ पे एक स्ट्रांग एनर्जी है एयर साइंस की, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, ठीक है. और ये पर्सन बहुत ज्यादा, मतलब मुझे दिख रहा है लाइक कम्युनिकेट बहुत अच्छा करते होंगे, लिखते हो सकते हैं, लेकिन इनको लिखना, ब्लॉगिंग या कुछ ऐसा करते हो जहाँ पर अपने ट्रैवल से रिलेटेड कुछ लिखना या दिखाना, ठीक है. लोगों के साथ इंटरेक्ट करना इनको काफ़ी पसंद होगा, और बहुत इंटेलिजेंट पर्सन होने वाले हैं, ठीक है. वो चीज़ मुझे दिख रही है. फॉर सम ऑफ यू आप इनसे ऑनलाइन भी मिल सकते हैं,
या सोशल मीडिया या फिर मैट्रिमोनियल साइट्स के थ्रू, ठीक है। यूरेनस की एनर्जी है योर पोटेंशियल फॉर सडन चेंज, एनलाइटनमेंट एंड अवेकनिंग। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन ने डिफरेंट डिफरेंट काइंड की नॉलेजेस इनके पास होगी, ठीक है, और इनके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए होंगे जिसके चलते इनके पास एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा होगा। ओके, हो सकता है कि इस पर्सन के जो घर में सारे लोग होंगे वो पुलिस मैन, मिलिट्री, डिफेंस, ऐसे कुछ हो सकता है। वी हैव द कार्ड ऑफ वर्गो और यहाँ पे आया है ड्यूटीफुल। ओके, सो ये पर्सन काफ़ी ड्यूटीफुल होने वाले हैं, काम इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी हार्ड वर्कर होंगे। ओके, यहाँ पे पेन स्टेकिंग है, डिलीजेंट है, डिस्क्रिमिनेटिंग है। सो ये जो पर्सन आपके लाइफ में आएंगे ना, फ्यूचर स्पाउस आपके, वो बहुत ही एज अ फादर फिगर आप समझिए, ठीक है। घर में फादर फिगर कैसे होते हैं, बहुत ही डिसिप्लिन होते हैं, ठीक है, वो हंसी मजाक भी करते हैं, परिवार को संभालते भी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेते हैं, डायरेक्शन भी दिखाते हैं, ठीक है, प्यार भी करते हैं, पैसे भी अर्न करके लाते हैं, ठीक है। तो फादर जैसे होते हैं ना, वैसे एक एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। फीमेल के लिए देख रहे हो फिर भी वही एनर्जी है, ठीक है, ड्यूटीफुल है, रिस्पॉन्सिबल है, और वो हंसी मजाक भी कर रहे हैं, अपने परिवार को केयर भी कर रहे हैं, परिवार पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। दिस काइंड ऑफ एनर्जी, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, हो सकता है ये पर्सन काफ़ी रिलीजियस भी होंगे और थोड़े से पुराने ख्याल के हो सकते हैं, ठीक है, कुछ पुराने रीति रिवाज, नियम वो मानने वाले हो सकते हैं। यहाँ पे वर्गो जो है वो जॉडिक साइन दिख रहा है मुझे, एंड फॉर सम ऑफ यू जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस कैन बी इम्पॉर्टेंट जॉडिक साइंस इस पर्सन के हो सकते हैं। लेट मी सी मोर। आप दूसरे कास्ट कल्चर से भी हो सकते हैं, इंटरकास्ट मैरिजेस, या ये पर्सन किसी कंट्री दूसरे में रहते हो, दूसरे कंट्री में रहते हो। ओके, ऐसे भी पॉसिबिलिटीज मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, मूविंग ऑन ट्रुथ, तो ऐसा हो सकता है कि आपके जो स्पाउस होंगे ना, वो पास्ट में मुझे दिख रहा है ना कि अपने फैमिली से दूर रहते होंगे, ठीक है, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स से ये पर्सन दूर रहते होंगे, वो चीजें मुझे यहाँ पे दिखाई जा रही है। या फिर जब आपसे मिलेंगे तो ऐसा हो सकता है कि उस समय ये पर्सन अपने काम के लिए या अपने जॉब के लिए आपके स्टेट या आपकी कंट्री में आए हो, और इनका इनकी पोस्टिंग आपके स्टेट, आपके कंट्री में हो सकती है, और फिर वहाँ पे आप लोगों का मिलना हो सकता है। बट जब आप इनसे मिलोगे, जब भी मिलने वाले होंगे, तो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली या इनका जहाँ पर जन्म हुआ होगा वहाँ पर ये पर्सन नहीं होंगे। फॉर सम ऑफ यू ऐसा भी हो सकता है कि आपके स्पाउस की फैमिली लाइक माता पिता, भाई बहन नहीं होंगे, वो पर्सन अकेले होंगे, उनके कुछ रिलेटिव्स हो सकते हैं दूर के, बट फॉर सम ऑफ यू हो सकता है वो पर्सन अकेले हो इस दुनिया में, ठीक है, उनके खुद के पेरेंट्स नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। वी हैव द कार्ड ऑफ ट्रूथ, अगेन ये एनर्जी है कि ये पर्सन जो है बहुत ही फेयर डिसीजंस करने वाले हैं, ट्रूथ लविंग है, एंड बहुत ही ज्यादा जस्टिस लविंग है, दैट इज द थिंग। ओके, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे या तो ये पर्सन दो काम करते हो, एक काम इनका छुपा के रहता होगा, ठीक है, ये पर्सन छुपा के कोई काम करते होंगे, स्पाई हो सकते हैं, इन्वेस्टिगेटर हो सकते हैं, या आर्मी में कुछ ऐसे काम हो जहाँ पर लोगों से बहुत ज़्यादा, मतलब लोगों को अपने काम के बारे में नहीं बता सकते कि वो किस काम को कर रहे हैं, किस मिशन पे है, देयर इज समथिंग लाइक दैट। ओके, सैक्रल चक्र एंड देन वी हैव थ्रोट चक्र, हो सकता है आपके जो पर्सन होंगे ना वो किसी गुरु या किसी मेंटर या किसी स्पिरिचुअल गुरु को फॉलो करते हो, और अपने आप को बैलेंस करने के लिए, स्पेशली चक्रास को बैलेंस करने के लिए वो पर्सन काम करते होंगे, ठीक है। एंड देन वी हैव थ्रोट चक्र, सैक्रल चक्र, ये दोनों कार्ड मुझे बता रहा है, थ्रोट चक्र का कार्ड है, आपके पर्सन जो है वो हंसी मजाक करते होंगे, ठीक है, मतलब मुझे यहाँ दिख रहा है कि वो पर्सन किसी को अपनी बातों से हंसा सकते हैं, वो वाली एनर्जी उनके अंदर रहेगी, ठीक है, इनकी वॉइस काफी अच्छी रहेगी और मुझे दिख रहा है कि आपको इनकी वॉइस बहुत प्यारी लगेगी, दैट इज द थिंग। यस,
इसकी बर्थडे 25 को हो सकती है, इस पर्सन की बर्थडे। यहाँ पे आ गया है अल्केमी, जस्टिस एंड बैलेंस, ठीक है। यहाँ पर आया है नरिशमेंट, अबंडेंस, आस्किंग एंड रिसीविंग। ओके, ये दोनों कार्ड्स मुझे यहाँ पे बता रहे हैं कि आपके जो पर्सन होने वाले हैं वो आपको, और ये मतलब आप दोनों एक दूसरे को ना बहुत जैसे मिल लिए, फिर बहुत दिन तक जांच रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं या समझ रहे हैं, तुरंत से आपका मिलना, तुरंत से दोस्ती हो जाना वो चीज़ें नहीं है। ओके, यहाँ पे आपके जो पर्सन होंगे वो आपको बहुत ऑब्जर्व करेंगे, आपके सारे अच्छाइयों को, सारे बुराइयों को, जो भी है आपकी पर्सनालिटी को बहुत जांचेंगे, परखेंगे, दूर से ऑब्जर्व करेंगे, समझेंगे, फिर जाके शादी की बात होगी। ठीक है, ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए उसके बहुत दिन के बाद ऐसा हो सकता है कि शादी होगी। ठीक है, एंड डेफिनेटली ये पर्सन अच्छे होने वाले हैं, इनकी जो एनर्जीज होगी आपके प्रति बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पे कार्ड आया है काऊ का, एंड नरिशमेंट है, अबंडेंस है, आस्किंग एंड रिसीविंग है। और मुझे डेफिनेटली यहाँ पे सेंस हो रहा है कि आपके जो पर्सन होंगे, आपके स्पाउस होंगे, वो किसी एक गुरु, टीचर, कोई मेंटर ऐसा होगा जिसको ये पर्सन फॉलो करते होंगे। ठीक है, सो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। ऑल्सो ये पर्सन जो है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनके लाइफ में कोई एक नेगेटिव पर्सन भी हो सकता है, ठीक है, और आपके बारे में कुछ नेगेटिव बातें भी बता सकता है। कुछ लोगों के लिए मैसेजेस अभी के लिए नहीं है। ठीक है, चलिए और देखते हैं हमें क्या पता चल रहा है। आप आपके स्पाउस से कहाँ मिलोगे? ठीक है, फॉर सम ऑफ यू ऑनलाइन मिल सकते हैं, मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू मिल सकते हैं। लेट मी सी और क्या पता चलता है। ऑप्शन नंबर टू, अपने स्पाउस से कहाँ मिलेंगे? क्वीन, ओके, ट्रूथ का कार्ड दो दो बार आया है, ट्रूथ ट्रूथ, ओके, फीलिंग्स एंड इमोशंस। कहाँ मिलेंगे? ऑप्शन नंबर टू, अपने फ्यूचर स्पाउस से। एट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ऑप्शन नंबर टू कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के लिए ये कोई ऐसा रिलेशन होगा जो कि आप लोग अपने पहले किसी रिलेशन को खत्म करके इस पर्सन के साथ आओगे रिलेशन। ठीक है, मतलब कुछ लोगों के लिए ये आपकी सेकंड मैरिज भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप पास्ट की कोई बहुत लंबी चली आ रही रिलेशन है उसको खत्म करके इस रिलेशन में, इस मैरिज में आओगे। ठीक है, यहाँ पे मदर का इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, आपकी माँ, आपकी मदर या आपकी बड़ी बहन जो है वो आपको बताएंगी कि इससे मिल लो या इससे शादी कर लो। ठीक है, या आप इनसे डिस्कस करोगे, तो मदर का रोल यहाँ पर रहने वाला है, मदर की तरफ से रिश्ता आना या रिश्ते में रोल इंपॉर्टेंट प्ले करना, दैट इज़ द थिंग। एंड यहाँ पे दोस्तों का भी रोल हो सकता है, कुछ लोग दोस्त के थ्रू मिल सकते हैं, आपके दोस्त ने इनसे मिलवा दिया, दैट इज़ द थिंग। ओके, एंड फॉर सम ऑफ यू विद द कार्ड ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये आपके कोई गाइड, काउंसलर, टीचर भी हो सकते हैं, जिनके साथ आप एक दोस्ती पहले हो रही है, जान पहचान हो रही है, फिर शादी हो रही है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों के साथ ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है कि मान लो कि आपकी शादी कहीं फिक्स हो गई, ठीक है, और मतलब आप लोग किसी से मिले शादी के लिए, फैमिली ने मिलवाया, उसके बाद आपको पता चला उस पर्सन के बारे में कि वो पर्सन अच्छे नहीं है, वो पर्सन बहुत फ्लर्टी है, या उनके साथ और भी रिलेशन है, शादी के टाइम तक उनके बहुत सारे रिलेशन है और वो उससे बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं, तो इस तरह की कोई सच्चाई पता चल सकती है और फिर वो रिलेशन या वो रिश्ता आपका टूट सकता है एंड फिर ये एक नया रिश्ता होगा। तो कुछ लोगों के लिए ये सच्चाई भी आपको पता चल सकती है। ठीक है, तो ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही है, ऐसे आप लोगों का मिलना हो सकता है। लेट मी सी मोर, अवेयरनेस, डिसकंटेंट एंड बोर्डम, यूनिवर्स। तो आप लोगों को ना अपने पार्टनर यानी कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनसे मिलने से पहले आपको किसी कार्मिक पार्टनर के साथ डील करना पड़ेगा, ऐसा एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग हो सकता है 4 महीने के लिए ही किसी कार्मिक पार्टनर से डील करें, कुछ लोग 4 साल के लिए डील कर सकते हैं। ठीक है, बट आप लोग करोगे जरूर किसी कार्मिक पार्टनर के साथ डील एंड फिर शादी होगी आपकी। अगर आप लोग सिंगल भी हो तो ऐसा हो सकता है कि आपकी पहले किसी के साथ शादी की बात चल रही है, फिर आपको पता चला कि वो पर्सन अच्छा नहीं है, फिर किसी दूसरे पर्सन का प्रपोजल आया तो फिर शादी होगी, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अभी हम टैरो कार्ड से और देख लेते हैं हमें क्या पता चलता है आपकी मैरिज,
के बारे में. पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड, आप लोग काफी क्रिएटिव हो सकते हो. ओके, सिक्स ऑफ पेंटेकल्स. तो आप लोगों के साइन मुझे यहाँ पे वर्गो दिखाए जा रहे हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, फायर साइन, एरिस, लियो, सैजिटेरियस. दो दो एसेस के कार्ड है, ठीक है. ये शादी आप लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पर दो दो एसेस है तो ब्लेसिंग की जैसा होगा, यूनिवर्स की तरफ से ये आपके पार्टनर होंगे. और कहीं ना कहीं विद द कार्ड ऑफ हाई प्रिस्टेस कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है आप लोग एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, साइकिक है, टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं, या एस्ट्रोलॉजर से मिलोगे, या अपने लिए टैरो रीडिंग लोगे कि आपकी शादी किससे होगी. इन सभी चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट आपका हो सकता है. कुछ लोग हो सकता है किसी तरह के फास्टिंग, किसी तरह के व्रत, पूजा इस तरह का करेंगे ताकि आप इस पर्सन को अपने लाइफ में ला सको. तो वो वाली एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है. कुछ लोगों के लिए ये आपकी शादी जो है वो अरेंज मैरिज भी हो सकती है, दैट इज़ द थिंग, ठीक है. अरेंज मैरिज भी मुझे यहाँ पे दिख रही है. चलिए देख लेते हैं हमें लव रिलेशनशिप कार्ड से क्या पता चल रहा है, आपका आपके स्पाउस के साथ कैसा कनेक्शन होगा. अबंडेंस का कार्ड आया है, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, फॉरगिवनेस, ओके, शिवैलरी है. ये पर्सन काफ़ी रोमांटिक रहेंगे आपको लेके, ठीक है. आपको स्पेशल फील कराना, बहुत ही एक जेंटलमैन या एक फीमेल के लिए भी देख रहे हो तो आपको स्पेशल फील कराने के लिए वो हर एक चीज़ करेंगे, बहुत रेस्पेक्ट करेंगे आपकी, बहुत प्यार जताने की कोशिश करेंगे, ठीक है. आपके साथ स्पेशल मोमेंट बिताने की कोशिश करेंगे, ओके, दैट इज़ द थिंग. और ल्यूमिनोसिटी है तो आपको इस पर्सन की बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी, आपको लगेगा कि इस पर्सन के अंदर बहुत ही प्योरिटी है, एक सेरेनिटी है, वो चीज़ आप इस पर्सन के अंदर ऑब्जर्व करोगे, आपको ऐसा पता चलेगा, ठीक है. मुझे यहाँ पे अबंडेंस का कार्ड दिख रहा है, तो ये पर्सन काफ़ी आपके लाइफ में एक अबंडेंस लेके आना, ना सिर्फ मटेरियल अबंडेंस, यस मटेरियल अबंडेंस होगी बहुत ज़्यादा, ठीक है. यहाँ पे दो दो रोजेज है तो बहुत प्यार भी होगा, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है. एक दूसरे को गिफ्ट से शेयर करना, वो चीज़ें भी मुझे यहाँ पे दिख रही है. ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि इस कनेक्शन में, इस मैरिज में आने के बाद आप पास्ट की जो भी आपके एक्स रहेंगे या कोई ऐसा पर्सन रहेगा उसको आप फॉरगिव कर दोगे. आपने पास्ट में जो रिलेशनशिप में गलतियाँ की है या जिसके लिए गिल्टी फील करते हो उसके लिए भी खुद को माफ़ कर दोगे, ठीक है. तो फॉरगिवनेस की एक एनर्जी रहेगी आपकी शादी के बाद, यानी कि माफ़ करना, पास्ट के सारे पर्सन को भी माफ़ कर दोगे, खुद को भी माफ़ करोगे आप, तो वो चीज़ें हैं. एंड देन वी हैव स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों पर्सन जो है इवॉल्व करेंगे, ठीक है. स्पिरिचुअली काफ़ी इवॉल्व करेंगे, स्पिरिचुअल वे में आप लोग बहुत कुछ सीखोगे. यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का भी कार्ड है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि लाइक यहाँ पे भी एक मून है, क्रिसेंट मून, यहाँ पे भी क्रिसेंट मून है. ऐसे ग्रो करना या स्पिरिचुअल रास्ते पे दोनों पर्सन साथ में चलेंगे, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा ग्रो करेंगे स्पिरिचुअल वे में, वो चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है. अबंडेंस है तो मटेरियल अबंडेंस बहुत होगी, घर एक अच्छा होगा, अच्छी लाइफ होगी, ठीक है. एंड लग्जरी भी काफ़ी अच्छी होगी, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है. तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि आपके स्पाउस की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हो सकते हैं. इस ये कार्ड्स मैं इसलिए निकाल रही हूँ ताकि मुझे समझ आए कि आपका कनेक्शन कैसा होगा आपके स्पाउस के साथ, और कोई मैसेज भी हो सकता है, चैनल मैसेज फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस. सो आई चूज टू बी विथ यू, तो हो सकता है इस पर्सन के लाइफ में या आपके लाइफ में कोई ऑप्शंस हो बट आपने इनको चुना, ऐसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है. पास्ट का कोई रिलीज करेगा एंड देन आप लोग एक साथ आओगे. आई सी बाई एवरी थिंग हैपन द वे इट डिड, डेफिनेटली यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना कि आप लोग किसी पर्सन को रिलीज करोगे और फिर आपको समझ में आएगा कि आपकी पास्ट की रिलेशनशिप क्यों वर्कआउट नहीं हुई. हो सकता है इस पर्सन के साथ भी वैसा हो. एंड आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग ओवर यू, ओके. तो यहाँ पर दिख रहा है जैसे हो सकता है कि आप लोगों के बीच में ऐसे हो कि आप लोग एक दूसरे को हर्ट कर रहे हो, या कोई ऐसी बात हुई है जहाँ पर आप लोग एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, बट विद द कार्ड ऑफ फॉरगिवनेस एक दूसरे को माफ कर देंगे. आई लव वेन यू फ्लर्ट विथ मी, तो ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा आपके साथ फ्लर्ट करेंगे, आपको प्यार जताने की कोशिश करेंगे. आई स्टिल हैव योर फोन, आई स्टिल हैव योर पिक्चर्स ऑन माई फोन, ओके.
एंड आई हैव टोल्ड माई फैमिली अबाउट यू. तो ये पर्सन आपके पिक्चर्स को फ़ोन में रखना, ऑनलाइन मिलना वो भी हो सकता है, और फिर ऑनलाइन मिलने के बाद अपनी फैमिली को बताना, वो चीज़ें यहाँ पे रह सकती है. ठीक है ना. सो दिस इज़ द थिंग. लेट मी सी चिट से हमें क्या पता चल रहा है. ओके, एक और चीज़ मुझे देखना है कि आप लोग कब तक मिलोगे, कब तक होगी आपकी शादी. ठीक है. 9 of Wands, स्ट्रेंथ, 4 of Sword, जस्टिस. यहाँ पे किसी ना किसी कार्मिक को आपको रिलीज करना अपने लाइफ से. ठीक है. बॉटम में भी डेथ का कार्ड है, हर्मिट का कार्ड है. कोई पास्ट की एनर्जी है आपके लाइफ में जिसको क्लियर करना है. अगर आप लोग सिंगल हो, इवन देन हो सकता है कि आपको किसी चीज पे वर्क करने की जरूरत है. ठीक है. इस टाइम पे कोई कार्मिक साइकिल है. कुछ लोगों के लिए कार्मिक साइकिल रोमांटिक रिलेशनशिप के रूप में आपके लाइफ में आया हुआ है, कुछ लोगों के लिए वो कार्मिक साइकिल किसी और रूप में होगा. तो वो चीज़ जब आपकी खत्म होगी तब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे. ठीक है ना. एंड फॉर सम ऑफ यू सेकेंड मैरिज भी हो सकते हैं आप लोगों की. आप लोग सेकेंड मैरिज के लिए देख लो, दैट इज़ द थिंग. एंड यहाँ पे टाइम की बात करते हैं तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के लिए 11 months का टाइम. फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे आपकी शादी जो है वो जिस साल देख रहे हो उस साल के आखिरी महीने में हो सकती है, लाइक नवंबर दिसंबर में. एंड फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी 3 years. कुछ लोगों के लिए 3 years का टाइम मुझे यहाँ पे दिख रहा है. तो चिट से देखते हैं इस पर्सन के बारे में क्या पता चलता है. नंबर 10 बर्थ डेट हो सकता है, या अक्टूबर में आप लोगों की शादी होना या मिलना. नंबर 3 या मार्च में आप लोग मिल सकते हो उस पर्सन से. नंबर 28 बर्थडे हो सकता है. 4 कैप्रिकॉर्न, एफ वी हैव आई सॉरी एच आई भी हो सकता है, क्यू एंड टॉरस डब्लू. सो वी हैव के यहाँ पर आया है आपके लिए. नंबर 22 सो बर्थडे हो सकता है इस पर्सन का. फिर लेटर एल आया है. ओके. एंड विर्गो गिरा है नीचे. नंबर 5 लेटर टी से नाम हो सकता है एक्वेरियस. आई विल टेक फ्यू मोर. 1 सो ए है, स्कॉर्पियो है यहाँ पर. And then we have R and D. So these are the messages for you. Option number 2. I hope so reading आपको अच्छी लगी है. मुझे बताइएगा जरूर. And हम मिलेंगे दूसरी reading में. अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए. Thanks for watching.